विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। शनिवार को इन यात्राओं के रथों को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री व चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री व प्रदेश सह चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने प्रदेश कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए रिपोर्ट। जन आशीर्वाद यात्रा के रथों को रवाना करने के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं, इस बार भी आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम आ रहे हैं। जनता ने सदैव भाजपा को आशीर्वाद दिया, इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार में हुए जन कल्याण के कार्यों के आधार पर हम जनता का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारी और प्रदेश के भाइयों और बहनों, एक बार फिर आपका आशीर्वाद ले रहे हम आ रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। 2003 से जनता ने सदैव हमें आशीर्वाद दिया, 3 में दिया, 8 में दिया, 13 में दिया और 18 में भी वोट मिल जाता है। बहुमत दूसरों का भी एक बार फिर इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र ने जो काम किया, गरीब कल्याण का महाअभियान, जन कल्याण का महाअभियान चला और विकास का महायज्ञ चला और वैसे ही प्रदेश की सरकार जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारा पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जनहितैषी योजनाओं और विकास की नीतियों को जनता का आशीष मिलेगा। इन 5 यात्राओं से प्रदेश भर की जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। 25 सितंबर को आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में 10 लाख कार्यकर्ताओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद देंगे। प्रस्थान हो रहा है, जन आशीर्वाद यात्रा कल 3 सितंबर को चित्रकूट से प्रारंभ होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सारा राज्य इस बात का साक्षी है कि जब चुनाव का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी जनता से आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम बनाती है और जनता से आशीर्वाद लेने की हिम्मत और साहस उसी राजनीतिक दल में होती है जो अपने कार्यकाल में गरीब कल्याण और विकास से जनता की गोद उपलब्धियों से भरने का सफलता प्रयत्न करता है। सारा मध्य प्रदेश इस बात का साक्षी है। केंद्र की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन किया है। नवंबर 23 में फिर निर्वाचन संपन्न होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता से आशीर्वाद लेने जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है जन आशीर्वाद यात्रा सफलता के सोपान तक पहुंचेगी और यह चुनावी कार्यक्रमों में शान रोल 5 जन आशीर्वाद यात्राएं जो प्रारंभ होने वाली हैं और पहली जन आशीर्वाद यात्रा 3 तारीख को चित्रकूट से भगवान कामताना जी का आशीर्वाद लेकर के प्रारंभ होगी और उस यात्रा को प्रारंभ करेंगे भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी।
उसके बाद दूसरी हमारा यात्रा मंडला से भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री सशक्त और ताकतवर नेता माननीय अमित शाह जी शुभारंभ करेंगे। उसी दिन 5 तारीख को तीसरी यात्रा श्योपुर से प्रारंभ होगी। 4 तारीख को माननीय राजनाथ सिंह जी नीमच से यात्रा का प्रारंभ करेंगे और साथ में ही 6 तारीख को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी खंडवा से एक यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उन यात्राओं में सम्मिलित होने वाले जो रथ, जो जन आशीर्वाद के रथ हैं, आज उनका यहाँ से रवाना लॉन्चिंग सेरेमनी अभी यहाँ पर हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय भूपेन जी, अश्विनी जी, सबने मिलकर के आज उन यात्राओं में सम्मिलित होने वाले 5 रथ यहां से उनको रवाना किया। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं इस यात्रा की सफलता के आधार पर ही आलाकमान पार्टी का रोड मैप तैयार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।